अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पलके तितली सी है बादल या बिजली सी, अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन। अंकल प्लीज आप मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत दो प्लीज। बस बहुत हो गया, मुझे आरती से शादी नहीं करनी। तुम तेल क्यों गिरा रहे हो? तुम्हारे ताई को नीचे गिराने के लिए। अरे छोड़ मेरी साड़ी, मत लगा गंदे हाथ मेरी साड़ी पे। इतना कुछ हुआ वो कम था क्या? अरे ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती, छुड़ाना आदित्य से। छोड़ दो साड़ी, छोड़ो अंतरा, छोड़ो छोड़ो, हटाओ हटाओ उसे। अंतरा छोड़ो, तेल, ये तेल कहां से आया, किसने किया ये? किसने किया ये, किसने किया ये सब? ताई जी फिसल जाती तो अच्छा होता, वो सबको डांटती रहती। ताई जी गंदी, अरे सब खराब कर दिए। देखा आपने ताई जी, आप जैसे न जाने क्या क्या कहती रही। मैं हूं उस पागल, लेकिन उसी ने आपको गिरने से बचाया। पर जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, आप फिर भी उसे बुरा भला ही कहेंगे। नहीं नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। सच में बहुत प्यारी बच्ची है ये, इसके मन में तो किसी के लिए भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, आज तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। चलो सॉरी बोलो, ताई जी को सॉरी बोलो। सॉरी दादी जी। बिल्लू तुम्हें किया ना ये सब, चलो सॉरी बोलो। सॉरी ताई जी। अरे तुम दोनों को तो मैंने पहले ही माफ कर दिया। अरे मेरे बच्चों आओ आओ, तुम दोनों के लिए चल इस गाल में एक पप्पी और दूसरे गाल में तेरी पप्पी। बदले की भावना दिल में कभी नहीं रखनी चाहिए। देखो अंतरा को और उससे कुछ सीखो। सच कहा बेटा तूने, हमें बहुत कुछ सीखना होगा इस नन्ही सी बच्ची से। मैं आज तक इसके बारे में यही सोचती थी कि ये ऐसी क्यों है, पर आज ये सोचती हूं कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। चला दे Thank you.
कुछ खास है क्या? आज करवा चौथ है भैया। तो क्या विद्या भी आज? आरती, तुमने भी व्रत रखा? आप ही ने कहा था ना समीर पे भरोसा करने के लिए। देखती हूँ ये भरोसा कितना काम करता है। आदित्य, समीर से बात हुई? गलत चांद से भ्रमित होकर वीरावती ने अपने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, जिस कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। फिर माँ पार्वती के आशीर्वाद और 7 करवा चौथ के व्रत रखने के बाद वीरावती अपने पति को पुनर्जीवित कर पाई। समीर, तू यहाँ? यहाँ नहीं होऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा? भाई सबको अपनी जान प्यारी होती है, करवा चौथ के दिन पंगा थोड़ा ना ले सकता हूँ। समीर, बहुत हो गया मजाक। मजाक की भी एक हद होती। सुबह तू ऐसे बात कर रहा था, अभी देखा देते हैं। सुबह बात कुछ और थी और अब बात कुछ और।
सो मुझे पता था डैड मानेंगे तुम्हें, जितना मर्जी कर लो डैड नहीं मानने वाले। जब उन्होंने मानना नहीं तो फिर कहने का क्या फायदा, फिर चुप रहो ना। इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो क्या वो मान जाएंगे? अगर मान गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं माने तो क्या? तो समीर ये सब ठीक नहीं है। अंकल आंटी की मर्जी के बगैर शादी? आदित्य, अगर ये सब सही नहीं होता ना तो नहीं करता। ये सही है इसलिए कर रहा हूं। और आज सवाल मॉम डैड का, उनके आशीर्वाद का, उनकी खुशियों का, उनकी मर्जी का। तो अगर उनके चक्कर में रहूंगा तो शादी नहीं हो पाएगी। मैं जानता हूं अपने डैड को यार, वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे आदित्य। लेकिन तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? अब हमारी शादी हो गई है, कम से कम हमें आशीर्वाद तो दे यार, हैप्पी मैरिड लाइफ का एटलीस्ट। और अब इस शुभकामना देरी नहीं होनी चाहिए मीठा का, भाभी आपके लिए भी थोड़ा सा ये छोड़ो ना, आशीर्वाद लो, तुम्हारे भाई है। जुग जुग जियो, खुश रहो। बस चलो, ये, 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 ये। अरे बिल्लू कैसा मेरा अभिषेक, बहुत क्यूट लग रहा है। चलो अभी वहां जाके बैठो सब लोग, चलो। और आप मुंह मीठा कीजिए। मेरी तरफ से समीर को एक और खिलाओ। एक और नहीं, एक नहीं, दो और। लेकिन दो क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। तो दो खुश है तो मैं दो खाऊं? चलो अभिषेक, अंतरा, बिल्लू आ जाओ। इस जगह लेके जा रहे हैं आप? अरे बहुत थक गई है वो, आराम करने के लिए लेके जा रही हूँ। अरे तो आराम की तो मुझे भी जरूरत है भाभी। अच्छा आदित्य, इनके साथ जरा आराम से बैठ के बातें करो। आ जा। God, it's so heavy. भाई गॉड, शादी करवाना कितना मुश्किल है। हेलो मिस्टर आदित्य वर्मा। अरे क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों? कुछ नहीं, सोच रहा था कि जब अंकल को पता चलेगा कि तूने मंदिर में जाकर के शादी कर ली है तो क्या कहेंगे वो? क्या कहेंगे, थोड़ा सा गुस्सा होंगे, थोड़ा सा कोसेंगे मुझे, थोड़ा सा चीखेंगे, थोड़ा सा चिल्लाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, बस और क्या। फिर देखा देते, मैंने उनको सोचने का बहुत वक्त दिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं यार, लेकिन फिर भी माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर ये शादी अधूरी है। पता नहीं अंकल आंटी कब माफ करेंगे हमें। देखा देते, मैं समझता हूँ तेरी बात, लेकिन इस बार गलती मेरी नहीं, गलती उनकी है। और एक बेटे होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ते पर लेके आऊं, उन्हें समझाऊं कि गलतियां कभी कभी छोटे से नहीं बड़ों से भी होती है। काश वो समझ जाए
समझ जाएंगे। जिस दिन उनकी गोद में मेरा बच्चा होगा वो समझ जाएंगे, उन्हें एहसास हो जाएगा इस बात का कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं, और फिर वो मुझे गले लगा लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। मम्मी पानी ऐसे ही छटकता है ना? हाँ बेटा। बिल्लू इधर नहीं उधर। हाँ ठीक है ठीक है। आरती तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो, और समीर के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है जो तुम्हें समझता है। कोशिश करना कि तुम दोनों में कभी कुछ मनमुटाव ना हो। और हाँ एक बात और याद रखना कि एक औरत ही होती है जो दो परिवारों को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है, इसीलिए अगर कोई भी फैसला लो तो बहुत सोच समझ कर लेना। बाकी तो तुम काफी समझदार हो। चलो बैठो। अरे आप लोग सब इधर क्या कर रहे हैं? भाभी आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर। पहले मेरा नेक तो दीजिए। अच्छा कितना चाहिए बताओ? अरे निकालो जितना भी है। जितना भी मतलब? जितना भी है मतलब जितना भी। अच्छा 1000 रुपए। ओके अच्छा एक और। नहीं नहीं ले लो एक और। तो अभी आप जाओ? हाँ अभी आप जाइए। ओके अंकल मेरा हिस्सा। अबे तेरा हिस्सा मतलब? नहीं तुझे क्या चाहिए? रुक मैं देता हूँ। 10 rupees is okay? बाय चलो निकलो। भाभी प्लीज बच्चे। अभिषेक चलो हम दूसरे कमरे में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया और आरती बुआ और समीर अंकल यहाँ सोने वाले हैं और हम लोग दूसरे कमरे। चलो समीर अंकल और बुआ यहाँ क्यों सोएंगे? क्योंकि हम दोनों अभी पति पत्नी हैं इसलिए। पति और पत्नी साथ में क्यों सोते हैं? रोने के लिए। नहीं समझा? वो साथ सोते हैं, बच्चे होते हैं, फिर दोनों रोते हैं, जैसे मेरे पापा। इधर आ, इधर आ। अबे साले तू फिर से आ गया, तो को मना किया था ना मैंने? अंकल मुझे यही अच्छा लगता है। बिल्लू इधर आओ, देखो अभी सोने का वक्त हो गया है, हम लोग भी सोने जा रहे हैं, और शायद तुम सोते तो अपने घर पे ही हो, है ना? चलो जाओ, जाओ। चलो बच्चों आ जाओ, आ जाओ। चलो चलते हैं। हाँ, नहीं मैं यहीं सोऊंगा, आज हुआ आपके साथ। अभिषेक बेटा चलो। आदित्य मैं समझ लूंगा। पक्का? पक्का ठीक तेरी मर्जी।